Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल इंडिया वालों, आप सब लोग कैसे हैं। आज की जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बहुत ही कमाल की वीडियो है, मैंने जब देखी तो मैंने कहा ये तो दिखानी आप सब लोगों को बहुत ज़रूरी है। वीडियो करता हूँ मैं शुरू, आप सब लोग मुझे कमेंट करके लाजिम बताएं वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां पढ़ना हर छात्र का सपना होता है। चैनल को पहले की वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में जिस रैंकिंग की हम बात करेंगे वो भारत सरकार द्वारा जारी NIRF रैंकिंग पर आधारित है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 10वें पायदान पे जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1949 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के नाम से हुई थी। यह विश्वविद्यालय 411 एकड़ में फैला हुआ है। बाद में इस विश्वविद्यालय का नाम सावित्री बाई फूले के सम्मान में उनके नाम पर कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय अपने अल्मुनाई के लिए काफी फेमस है और यहाँ के अल्मुनाई में शामिल है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं शरद पवार। इस कड़ी में 9वें पायदान पर जो विश्वविद्यालय है वह है मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन। दोस्तों, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए खूबसूरत है। मैं देख के हैरान हो गया। आर्ट्स और मैनेजमेंट कोर्सेज की भी पढ़ाई गया हो रहा है। इसके मेन कैंपस कर्नाटक में स्थित है जबकि इसके अदर कैंपसेस में सिक्किम, जयपुर, दुबई और मैंगलोर के कैंपस फेमस हैं। इसके फाउंडर थे डॉक्टर तोनसे माधव अनंत पाल। आपको बता दें, यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोला जो MBBS की कोर्स करवाता था। इसके अल्मुनाई में राजीव सूरी CEO ऑफ नोकिया और सत्या नडेला CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फेमस है। 8वें नंबर पर आता है अमृता विश्वा विद्यापीठम। दोस्तों, यह विश्वविद्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय भी मल्टी कैंपसस विश्वविद्यालय है जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु कोयम्बटूर में है। इसके अतिरिक्त इसके कैंपसेस केरल और कर्नाटक राज्य में भी हैं। इस विश्वविद्यालय का संचालन माता अमृता दमाई मठ के द्वारा किया जाता है। 7वें पायदान पर अन्ना यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका कैंपस 185 एकड़ में फैला हुआ है और यह यूनिवर्सिटी भी इंजीनियरिंग के लिए काफी फेमस है। यहाँ के अल्मुनाई की बात करें तो वर्गीज कुरियन, जो आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाने जाते हैं, साथ ही राइटर सुजाता रंगराजन हैं। 6ठे पायदान पर है जादवपुर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, यह काफी फेमस यूनिवर्सिटी है और यह एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1906 में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से हुई थी। बाद में सन 1955 में इसे विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया। इस विश्वविद्यालय के 2 कैंपसेस हैं, एक जादवपुर में और दूसरा साल्ट लेक में। यह विश्वविद्यालय भी इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। अगर अल्मुनाय ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1906 में स्थापित बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्र रहे हैं MN रॉय, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे हैं। 5वें पायदान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। यह काफी फेमस विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1857 में ही हो गई थी। इसके फाउंडर रहे हैं अलेक्जेंडर डफ। इस विश्वविद्यालय के 14 कैंपसेस हैं जो कलकत्ता शहर में फैले हुए हैं। अगर इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर बात करें तो यह पहला विश्वविद्यालय है जिसने महिलाओं के लिए शिक्षा प्रारंभ की। साथ ही 1835 में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के द्वारा ही 1857 में उसे मान्यता प्रदान की गई। अगर विश्वविद्यालय से संबद्ध लोगों की बात करें तो काफी शानदार लिस्ट है जिसमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर्त्य सेन जैसे लोग शामिल हैं। 4थे पायदान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद।
इस विश्वविद्यालय की स्थापना 6-point formula जो कि 1973 में आया था उसके तहत की गई थी। इसकी स्थापना 1974 में हुई। यह 2300 एकड़ में फैला हुआ विश्वविद्यालय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि लगभग सभी पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ हॉस्टल्स मिल जाता है। यह 90% रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज है। यह ह्यूमैनिटीज और साइंस के काफ़ी फेमस कोर्सेस चलाए जाते हैं। अगर यहाँ के फेमस अलमुनाई की बात करें तो गिरीश अग्रवाल, राहुल बनर्जी, दीपंकर चटर्जी यहाँ के फेमस अलमुनाई रहे हैं। इस कड़ी में तीसरे नंबर पर जो विश्वविद्यालय है वह है BHU यानी बनारस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि यह एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका कुल क्षेत्रफल 4100 एकड़ से भी ज्यादा का है। इसके दो कैंपसेस हैं, एक मेन कैंपस और दूसरा राजीव गांधी साउथ कैंपस। इस विश्वविद्यालय में एक ही कैंपस के नीचे इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, सोशल साइंसेस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, लॉ सहित 182 से ज़्यादा विभाग कार्यरत हैं। आपको बता दें कि अब तक 7 भारत रत्न ऐसे रहे हैं जो BHU से संबद्ध रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में खुद भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने कार्य किया है। अगर यहाँ के नोटेबल अलमुनाई की बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ की रही है। यहाँ के नोटेबल अलमुनाई में शामिल हैं भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव, MS गोलवलकर, हरिवंश राय बच्चन, भूपेन हजारिका, राज नारायण, डॉक्टर लालजी सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में BHU के छात्रों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह विश्वविद्यालय 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र रहा था। इस कड़ी में दूसरे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है वह है JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और यह भी 1000 से ज़्यादा एकड़ में फैला विश्वविद्यालय है। आपको बता दें यह विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र है। यह विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन, मास्टर्स एवं PhD तक की डिग्री के लिए एक शानदार विश्वविद्यालय माना जाता है। इसके अलुमनाई लिस्ट की बात करें तो वह भी काफ़ी लंबी रही है। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमन, सीताराम येचुरी जैसे राजनीतिकर्ता इस विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। अमिताभ कांत, सुब्रमण्यम जयशंकर जैसे लोग भी इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं। भारत के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में रैंक 1 पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में अवस्थित है। विज्ञान वर्ग के लगभग हर एक छात्र का सपना होता है कि वह यहां दाखिला ले सके। लगातार 3 वर्षों से यह यूनिवर्सिटी 1 नंबर पर काबिज है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। अनुसंधान के क्षेत्र में भारत में इस विश्वविद्यालय का कोई जोर नहीं है। इसके अलमुनाई लिस्ट की बात करें तो उसकी बुलंदियों की कहानी को कहता है। DRDO के फॉर्मर हेड VK आत्रे इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। साथ ही दिवंकर चटर्जी, शिवा सुब्रमण्यम बांदा, संजीव दास, नारायण स्वामी बालकृष्णन जैसे वैज्ञानिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोडक्ट। आप सबको कौन सी यूनिवर्सिटी पसंद आई है मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और मुझे जो यूनिवर्सिटी पसंद आई है वो है अन्ना यूनिवर्सिटी। बहुत ही कमाल की लगी, बाकी भी ठीक थी लेकिन मुझे जो इंटरेस्टेड लगी काफ़ी ज़्यादा वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे दिल को छुआ है। जिस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी वो भी बाकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन बात मैं करूँ इंडिया में यार हर चीज़ ही बहुत ही कमाल है। अगर आप सबको जो जो यूनिवर्सिटी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और कौन कौन जिस जो जो मेरी वीडियो देख रहा है मुझे लाजमी बताएं कि कौन सा आदमी, कौन सी लड़की, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई, मुझे कमेंट करके लाजमी आप सबने बताना है। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तब तक के लिए बनिए रहिएगा मेरे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।